नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी के भीतर भी मंथन जारी है। हो भी क्यों ना, एक जमाने में यूपी में स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाने वाली बीएसपी की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में स्कोर जीरो है, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है और विधान परिषद में भी स्कोर शून्य है। कहना गलत ना होगा कि बीएसपी फिलहाल अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ऐसे में मायावती का राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मंथन क्या वाकई पार्टी में जान फूंक पाएगा? यहाँ एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि मायावती ने अपने पुराने साथियों में से एकमात्र बचे साथी पर भी उनके पर कतरने का काम किया है। बात हो रही है सतीश चंद्र मिश्रा की, जो एक जमाने में मायावती के लिए सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा थे और अभी तक मायावती के साथ जमे हुए हैं। लेकिन अब मायावती उन्हें शायद पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं मानती, क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम गायब है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद दोबारा पूरे टसक के साथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लौटे हुए हैं। सवाल उठता है कि क्या मायावती ने अपने भविष्य तय कर लिया है और अपने पुराने साथियों को दरकिनार करके नए नेतृत्व की बुनियाद बना रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या अंतिम बचे हुए साथी सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार करके मायावती नई बीएसपी का आकार गढ़ रही हैं, जो उनके भतीजे आकाश आनंद के मुफित हो। सब कुछ लुटा बैठे तो समझ आया, मेरा किनारा ही मेरा दुश्मन था, वरना मौजों के थपेड़े ही बहुत थे मुझे पार उतारने के लिए। ये बात मायावती पर बिल्कुल सटीक बैठती है। चुनाव दर चुनाव हार और फिर इस स्थिति में आ जाना कि विधानसभा में एक विधायक, विधान परिषद में शून्य, संसद में शून्य होने के बाद समझ में आए कि असल में माजरा क्या है। वो शुक्र है कि 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था, वरना स्कोर वहां भी शून्य ही होना था। खैर, ये बात गुजरे जमाने की हो चुकी है। ताजा खबर ये है कि मायावती को समझ आ चुका है कि अगर बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखना है तो अब वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी के हाथों में रहनुमाई सौंप दी जाए। और यही वजह है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है, यानी एक बार फिर आकाश आनंद के पुराने तेवर देखने को मिलेंगे, जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत में दिखे थे। इससे ये भी साफ हो गया कि मायावती को अब आकाश के तेवरों से ऐतराज नहीं है, यानी भविष्य में एक बार फिर मायावती उनके हाथ में पार्टी की कमान देने की सोच सकती है। बीएसपी के द्वारा फिर से आकाश आनंद जी को स्टार प्रचारक बनाना बहुत जरूरी था। बहन जी ने यह फैसला लिया है जो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। बीएसपी यदि अपने इस फैसले पर कायम आगे भी रहती है तो जो युवा वोटर है वो सब वापस हो जाएगा और उसको उपचुनाव में खासा लाभ मिलेगा। बीएसपी को जो रिपोर्ट मिली होगी बहन जी को, उसमें बताया गया होगा कि आकाश आनंद की लोकप्रियता जिस तरह से युवकों में बढ़ रही थी, उसका बीच में से उनको हटाना बहुत महंगा पड़ा है। और इस समय चंद्रशेखर आजाद भी उभर करके सामने आ रहे हैं और यहाँ राहुल और अखिलेश जी की जोड़ी भी, जो कि युवा जोड़ी कही जाती है, ऐसे में आकाश आनंद जी का युवा नेतृत्व ही दलितों के युवाओं को आकर्षित करेगा और यह बीएसपी को अपने पुराने वोट बैंक पर वापस लाएगा। यह जरूरी है और मैं पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि आकाश आनंद जी इस बीएसपी पार्टी को उबारने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उनकी वाणी में ओझ है, उन्हें गहरी समझ है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और वो जनता के साथ सीधा अटैचमेंट रखते हैं। उनकी वापसी से निश्चय ही बीएसपी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। असल में मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनके तेवर और उनके स्वैग से उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त बढ़ी है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद अपने पहले संसदीय चुनाव को जीत गए। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करना है तो बीएसपी को युवा चेहरा आगे करना ही होगा। यही वजह थी
के मायावती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार भी पूरे तेवर के साथ शुरू किया। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ भी अच्छी खासी जुटने लगी थी, लेकिन मायावती को ये तेवर रास नहीं आए और बीच चुनाव में आकाश आनंद को पैदल कर दिया। मायावती ने यह फैसला क्यों किया ये तो वही बेहतर जानती हैं, लेकिन इसका संदेश बहुत गलत गया। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बाद भी मायावती को मुस्लिम वोट नहीं मिले, क्योंकि संदेश ये गया कि मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। बहरहाल देर से ही सही, मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद के रूप में एक युवा चेहरा प्रमोट किया है। और यकीन मानिए, मायावती ने अगर आकाश आनंद को फ्री हैंड दे दिया तो बहुजन मूवमेंट को संजीवनी मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि एक बार बसपा के जो अस्तित्व जो खत्म होता जा रहा है उसको एक बार फिर से प्रकाश में लाने का पूरा प्रयास कर रही हैं, और इसी कड़ी में आज भी बसपा सुप्रीमो की ओर से बैठक बुलाई गई है। लेकिन इन सब बातों के बीच में अगर बड़ा सवाल देखा जाए तो यही उठता है कि एक तरफ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद की एक बार फिर से बसपा में वापसी होती हुई नजर आ रही है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, तो वहीं अगर पुराने साथियों की बात की जाए जिन्होंने बसपा को उठाने का काम किया है उस दौर में जब बसपा के सितारे बुलंद थे तब बसपा में रहे हैं, ऐसे चेहरे जो कि अब बसपा से दरकिनार हो चुके हैं और दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं, लेकिन उन सभी लोगों में से अगर बात की जाए उन सभी चेहरों में से एक चेहरा रहा है सतीश चंद्र मिश्रा का, जो कि उस जमाने से जब मायावती का बोलबाला था, बीएसपी का बोलबाला था, तब से बीएसपी के साथ रहे हैं और उन्होंने अब तक हाथी का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा को ही मायावती दरकिनार करती हुई नजर आ रही हैं। एक जमाना था जब उन्हें बीएसपी का चाणक्य भी कहा जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि मायावती जो कि सतीश चंद्र मिश्रा, ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्टार प्रचारकों की जब सूची जारी हुई है उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल नहीं है, और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करने से भी रोक दिया गया था, उनका नाम दूसरे नंबर पर है। ऐसे में कयास अब यही है कि एक बार फिर से मायावती कमान सौंपती हुई आकाश आनंद को नजर आएंगी। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों को एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। विश्वदेव राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ वन इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत विश्वदेव जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझने का प्रयास करेंगे, बसपा के सितारे जिस तरह से बुलंद रहे, उत्तर प्रदेश में राज किया बसपा ने एक जमाने में, लेकिन धीरे धीरे बसपा अपने पतन की ओर, यानी कि जो आंकड़ा रहा है अब वो शून्य पर पहुंच चुका है। ऐसे में अपने इस अस्तित्व को उठाने के लिए बसपा लगातार जिस तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक तरफ जहां पर मायावती युवा शक्ति पर भरोसा करते हुए आकाश आनंद को एक बार फिर से आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर जो उनके पुराने साथी रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा उनको दरकिनार करती हुई नजर आ रही हैं। आप किस तरह से इसको पूरे समीकरण को देख रहे हैं और समझ रहे हैं? विश्वदेव जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो विश्वदेव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद स्वामी जी आपका रुख करेंगे, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, बीएसपी का प्रदर्शन रहा, सभी ने देखा। ऐसे में जब हम साफ तौर पर बीएसपी के प्रदर्शन की बात करेंगे और अब जो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है उसको उठाने में मायावती जुट चुकी है, ऐसे में आकाश आनंद की भूमिका, सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि मायावती अब किस मूड में है, उनके मूड को भाप पाना अभी फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसे बीजेपी किस तरह से देख रही है? आकाश आनंद का बढ़ता हुआ ग्राफ क्या किसी तरह का संकेत देगा?
प्रमोद जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बताते चले कि मायावती जो कि लोकसभा चुनाव के बाद मंथन कर रही हैं आकाश आनंद की वापसी के बाद, अब उपचुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। मायावती के बाद दूसरे नंबर पर अखिलेश आनंद का नाम दिया गया है और ऐसे में उत्तराखंड में पार्टी के प्रचार में अखिलेश आनंद जुटेंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो सबसे ज्यादा अहम बात हो जाती है उसमें सबसे पहला नाम जिसका चेहरा अभी हम आपको बता रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि एक समय में बीएसपी के चाणक्य के नाम से उनकी पहचान रहा करती थी और एक वही चेहरा है जो अंतिम चेहरा मायावती के जो साथी रहे हैं वो बचे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अंतिम बचे हुए साथी सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार कर मायावती नई बीएसपी का आकार गढ़ रही है जो उनके भतीजे आकाश आनंद के लिए मुफीद हो, इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि एकमात्र ऐसा चेहरा जिन्होंने बीएसपी का हर एक दौर में साथ दिया है, जब बीएसपी का ग्राफ सबसे हाई था तब भी ये चेहरा बीएसपी के साथ रहा है और आज जब बीएसपी का ग्राफ लो हो चुका है तब भी सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के साथ ही हैं और ऐसे में उनका नाम जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है ये कई बड़े संकेत देता है और कई बड़े सवाल भी हैं इन सब बातों के बीच में। क्योंकि देखिए जिस तरह से युवाओं के बीच में आकाश आनंद की जो पैठ है उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। युवाओं की पसंद आकाश आनंद बनते जा रहे थे। युवाओं के बीच में जब वो जा रहे थे तो रैलियों में भी देखा गया था कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो युवा थे उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, उनसे उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे थे। लेकिन जो बीएसपी की ओर से सोशल इंजीनियरिंग के एकदम किंग मेकर माने जाते थे सतीश चंद्र मिश्रा, अब उनको स्टार प्रचारक के तौर पर भी जगह नहीं मिली है। ऐसे में इस मूड को भाप पाना फिलहाल के लिए मुश्किल होगा कि आखिर मायावती क्या सोच रही हैं और क्या करने के मूड में हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कालीचरण जी जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक हैं। कालीचरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। कालीचरण जी आपसे एक सवाल सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आप जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार करने की बात सामने आ रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अंतिम बचे हुए साथी को दरकिनार कर मायावती नई बीएसपी का आकार गढ़ रही है? कालीचरण जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कालीचरण जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बहुत पहुंच रही है, बोलिए। कालीचरण जी देखिए जिस तरह से बीएसपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है और अब जिस तरह से पार्टी की जो रणनीति तैयार हो रही है, ऐसे में सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या अंतिम बचे हुए साथी सतीश चंद्र मिश्रा को दरकिनार करके मायावती नई बीएसपी का आकार गढ़ रही हैं? देखिए अंतिम बचे का सवाल नहीं है, सवाल है पार्टी को बचाने का। पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, पार्टी का महत्व होता है, दल का महत्व होता है। देखिए स्वयं आकाश आनंद को उन्हें लगा के पार्टी को नुकसान हो सकता है या कोई परेशानी फंस सकती है तो उनको विड्रॉ कर लिया था, हटा लिया था। तो सतीश चंद्र जी मिश्रा का या किसी के हटने का या आने जाने का सवाल नहीं है किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में। अपने दल को कौन ज्यादा मजबूत कर सकता है ये रणनीति हलदेव तैयार करता है। निश्चय ही बीएसपी भी अपना पुनर्मूल्यांकन करने में जुटी हुई है, उन्हें जो ठीक लगेगा। बहन जी बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, बहुत समझदार हैं, इस देश की नब्ज को जानती हैं, जनता की नब्ज को जानती हैं। उन्हें पता है कि अपनी रणनीति में कौन सा बदलाव करना है और मिश्र जी भी समझदार हैं, वो जानते हैं कि पार्टी के हित में क्या है।
बिल्कुल कालीचरण जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि एक रणनीति के तहत हो रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है ना, जब हम आमतौर पर कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का अनुभव लेना चाहिए, जिसने इतना लंबा समय आपकी पार्टी के साथ दिया है, उनके अनुभव को, क्योंकि बीते दिन जो स्टार प्रचारकों की सूची भी सामने आई उसमें भी कहीं उनका नाम शामिल नहीं है, ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी है ना। देखिए, बड़े बुजुर्गों का लाभ का सवाल नहीं है, बड़े बुजुर्ग साथी तो हैं आज तक मिश्र जी, उन्हीं का तो जाकर के सब पूछते रहे तब पार्टी का ये हाल हो गया, तो बड़े बुजुर्ग का सवाल नहीं है। हम देखते हैं भाजपा राष्ट्र की इतनी बड़ी पार्टी है, उसने भी अपने बड़े बुजुर्गों को किस तरफ से रख दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी की नकल की बात नहीं कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है हर दल में, लेकिन बड़े बुजुर्गों की कई बातें हमको जब लगता है कि एक हम नए दौर में चल रहे हैं, नए दौर की राजनीति का मिजाज अलग है, तो उसमें निश्चय कुछ परिवर्तन जरूरी हो जाते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को और नए पार्टी के हित में इस तरह की चीजों को समझ करके खुद ही अपने आप को थोड़ा सीमित कर लेना चाहिए। कालीचरण जी, अब देखिए, अब जब आपने ये बात कही है तो ऐसे में ये भी पूछना जरूरी होगा, क्योंकि आप समझिए कि जब इस बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे जो आपकी पार्टी से पहुंचे हैं, इस बार के चुनाव में बड़ी संख्या में उन चेहरों ने जीत दर्ज की है, चाहे बात मैं जौनपुर के प्रत्याशी बाबूलाल कुशवाहा की बात करूं या तमाम चेहरों की बात करूं जिनका फायदा मिला है इस बार बीएसपी के चेहरों को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का, यानी आपके चेहरों में वो दम थी, लेकिन आप लोग भापने में कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। 2014 में भी हमने देखा कि बीजेपी को इसका फायदा मिला है। देखिए, राजनीति में स्वार्थ प्रेरित होता है। ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरे थे, क्या ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें अपना हित उसमें दल में ना करके दूसरे दल में लगा। अभी कांग्रेस से तमाम बड़े बड़े लीडर गए हैं, राष्ट्रीय भाजपा में गए हैं, कुछ लोग भाजपा से भी किसी दल में गए हैं। तो व्यक्ति अपना देखता है, उसको अपना इंडिविजुअल, राजनीति में ये कोई स्थायी मायने नहीं रखता है कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है, उसको जहाँ हित दिखता है वो देखते हैं कि हमें कहाँ पर हित है। अब पीलीभीत से देखिए, जाकर के किस तरह से कांग्रेस से आकर के आया, उनको टिकट दिया, विजयी हो गए, वरुण जी को वहां से नाराज कर दिया गया। नहीं, तो मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कालीचरण जी, सवाल समझने में हो सकता है गलती आप समझ नहीं पाए हो, मैंने सवाल ये किया था, क्या जो क्रेडिबिलिटी है जो प्रत्याशियों की, उससे भांपने में आप लोग पीछे रह गए, क्योंकि वही चेहरे जब समाजवादी पार्टी में गए हैं तो उन्होंने जीत दर्ज की है। मैंने सवाल इसका नहीं भाई, जब जो इंडिया गठबंधन का वोट था वो भी तो उन्हें मिला, सब ये वो चेहरे, यहाँ भी तो कुछ चेहरे थे जिनको साथ वोट हो सकता था, लेकिन वो चेहरे वहां शिफ्ट हुए जहां उन्हें एक बड़ा वोट बैंक था, तो वो जाकर के वहां उनको उसका लाभ मिला। और स्वयं कैडर के जो बीएसपी के भी वोटर थे, चूंकि वो यहाँ रहे हैं इस पार्टी में, तो उन्होंने भी सहानुभूति में उनको वोट दिया। तो ये नुकसान और लाभ दोनों राजनीति में रहते हैं, इसको समझना पड़ता है। लेकिन ये सही बात है कि जो जा रहे हैं उनको भी तो देखना पड़ता है कि क्या है। हम देखते हैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी छोड़ करके, दो दो पार्टी छोड़ करके गए हैं, अपना दल गठित किया है, लेकिन अब उतना परिणाम नहीं मिल रहा है। तो राजनीति में प्रयोग करते रहते हैं लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कालीचरण जी, राजनीति प्रयोग और सहयोग की रणनीति होती है। लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, और हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे पूरे समीकरण को, क्योंकि अभी जिस तरह से कालीचरण जी भी जिक्र कर रहे थे कि ये एक रणनीति के तहत हो रहा है और नई बीएसपी को आकार दिया जा रहा है, आप बीजेपी किस तरह से इसे देख रही है, क्योंकि उभरता हुआ चेहरा भी है आकाश आनंद। प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतिम बचे हुए साथी सतीश चंद्र मिश्रा की जो भूमिका रही है, उन्हें कभी बीएसपी का चाणक्य भी कहा जाता था, सोशल इंजीनियरिंग में बीएसपी के माहिर रहे हैं, लेकिन आज उन्हें दरकिनार करती हुई मायावती नजर आ रही है और बीएसपी को नया आकार देते हुए आकाश आनंद के मुफिद बीएसपी का आकार दिया जा रहा है, क्या देखेंगे, किस तरह से देखेंगे इसे? देखिए, ये कहना गलत नहीं
नहीं है कि आकाश आनंद को मेरा स्थान दिया जाता है। जैसे कि तस्वीरें सामने और सबने देखी है, जैसे कैसे जब बसों पे प्रोमो आती है वो बैठती है तो सबसे पहले जो उनका पैर छूते हैं आकाश आनंद का पैर छूते हैं और काफी देर तक बसों पे प्रोमो उनके सर पर अपना हाथ रखे और मुस्कुराहट साथ उनको उनका अभिनंदन करती है, उनको आशीर्वाद देती नजर आ रही है। तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा संकेत है माना जा रहा है कि अब एक बड़ा स्थान मिल सकता है एक बार फिर से आकाश आनंद और उनको उनको बनाया गया था फिर से उनको बनाया जा सकता है। सतीश चंद्र मिश्रा को एकदम से अलग कर देना ये कहना गलत नहीं, क्योंकि आज भी हम लोग कई समय से देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से जब सतीश चंद्र मिश्रा थे तो सतीश मिश्रा उसी भूमिका में नजर आए, पहले बैठक के पहले वो रहे थे जो कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत कर रहे थे, मीडिया वहां थी उनसे रूबरू होते नजर आए, तो जब बसपा सुप्रीमो आती है अपने कार्यालय में तो सबसे पहले स्वागत करने वाले जो व्यक्ति हमेशा इस बार भी सतीश चंद्र मिश्रा थे, उसी हाव भाव से उसी मुस्कुराहट साथ बसपा सुप्रीमो उनका उनका स्वागत किया। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप जो पत्रकारिता चल रही है ये आपको नए ठीक है विश्वदीप जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल दीपिका जी बताइए। विश्वदीप जी आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आपका एक लंबा अनुभव रहा है, ऐसे में मायावती जिनका ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और अब पूरी तरह से क्योंकि आज भी मंथन चल रहा है नया आकार बीएसपी को देने में जुटी हुई मायावती, आकाश आनंद की भूमिका, सतीश चंद्र मिश्रा की जो भूमिका है उसे किस तरह से आप देख रहे हैं बीएसपी में? दीपिका जी देखिए इस लोकसभा चुनाव में कई परतें खुल गई हैं बसपा की। दिक्कत क्या हो गई है बसपा के साथ कि उसके सामने प्रतिद्वंद्वी के तौर पे भाजपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उभर आई है, साथ में उसका जो वोट बैंक है उस वो जो 2014 और 2019 का अगर देखें तो 19.5% के आसपास वोट शेयर था उसका, वो घट के आ गया है 9.5%, तो ये 10% का बिल्कुल सफाचट हो गया है इनका वोट शेयर वो, और ये कोर वोट बैंक है मायावती का। अब देखने वाली बात ये होगी जो चंद्रशेखर आजाद की आपने बात उठाई, नगीना से इकलौते सांसद बने हैं, बसपा का तो कोई सांसद भी नहीं है, इकलौता एक विधायक जो बना है वो अपनी अपने दम पे जीते हैं, बसपा का वोट शेयर बहुत मार्जिनल वहां उनको मिला है जो उनकी सीट है वहां पर। इसके अलावा आपने सतीश चंद्र मिश्रा की बात करी तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मनीष ने बिल्कुल सही बात कही कि सतीश चंद्र मिश्रा एक स्तंभ है बसपा के, उन्होंने वो सारे लीगल मैटर्स वही देखते हैं मायावती जी के और बहुजन समाज पार्टी के। दूसरी बात इस समय मायावती जी को आकाश आनंद को लाने मजबूरी भी है और जरूरत भी है, दूसरा कारण यह है कि जो वोट शेयर चंद्रशेखर आजाद ने ले लिया है उनसे उसको उनको वापस कमबैक एक युवा नेतृत्व के तहत ही ला पाएंगी, क्योंकि यह चंद्रशेखर रावण ने जो जो कैंपेनिंग करी है पूरे उत्तर प्रदेश में उसने युवाओं को जागृत किया है और जो वोट शेयर उसने वहां नगीना में भी पाया है वो युवाओं का ज्यादा है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात दीपिका जी, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता हैं हमारे साथ तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, 16 सीटें इस लोकसभा चुनाव में ऐसी थी जहां बीजेपी की विनिंग मार्जिन जो थी वो बसपा के वोट शेयर के बराबर थी। अगर बसपा इंडिया ब्लॉक में चली जाती जैसा कि कांग्रेस कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी हमेशा से चाहते थे, तो ये 16 सीटें भी इंडिया ब्लॉक की तरफ ही चली जाती, तो ये बहुत बीजेपी का जो नुकसान हुआ यूपी उत्तर प्रदेश में वो बढ़ के 16 सीटों का और नुकसान हो जाता। इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रमोद स्वामी जी, उम्मीद करती हूँ कि विश्वदेव जी का आपने सवाल सुना होगा कि 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन जो रहा है वो बेहद कम रहा है और अगर बीएसपी इंडी गठबंधन के साथ होती तो ये 16 सीटें भी आपके पाले में नहीं आती, क्या कहेंगे इस पर प्रमोद जी? आप तक आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। जी प्रमोद, देखिए जैसे आपने कहा कि आकाश आनंद को मायावती जी प्रमोट कर रही है लेके आई है, मायावती जी ने संघर्ष कर करके अपना एक स्थान भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान उन्होंने बनाया, ठीक उसी तरह मुलायम सिंह यादव जी ने भी संघर्ष करके एक स्थान बनाया, ममता बनर्जी ने भी संघर्ष करके अपना स्थान बनाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी टीएमसी की जो कमान जो है अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगभग सौंप चुकी है। ठीक उसी थर्रे पर
हम देख रहे हैं कि बसपा भी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है और बसपा भी आकाश आनंद को अपनी कमान सौंपना चाहती है। तो जो लोग संघर्ष करके आए वो लोग आज परिवारवादी पार्टी के मोह में कहीं ना कहीं उलझ कर करके अपनी जो कमान जो है अपने परिवार के सदस्यों को ही सौंपने की जो इच्छा है ये भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जो हम परिवारवादी राजनीति का जो हम विरोध करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बता सकता कि आने वाले समय में जेपी नड्डा जी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन आज जैसे ही आकाश आनंद को मायावती ने प्रमोट किया है तो ये चर्चा आरंभ हो गई कि आने वाले समय में बसपा का प्रमुख चेहरा मायावती जी के बाद में आकाश आनंद होंगे और टीएमसी में अभिषेक बनर्जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उन्होंने क्या कहेंगे आप, ठीक है परिवारवाद पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, 16 सीटों पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मायावती भी अगर इंडिया अलायंस में चली जाती तो भारतीय जनता पार्टी के को और ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो देखिए राजनीति में अपने अपने समीकरण होते हैं। एक समय में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़ा था, एक समय में उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ भी लड़के लड़ा, फिर इस बार फिर कांग्रेस के साथ लड़के मिलके उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या होता और उसका क्या प्रभाव पड़ता ये हाइपोथिकल बातें हैं, इस पे हम ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रमोद जी, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हाइपोथेटिकल बातें हैं और अब उस पर चर्चा करना निरर्थक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्वदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष भी हमारे साथ जुड़े थे, मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कालीचरण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।